मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक आहार। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं, आज का जो सब वीडियो है वो किस चीज पे है। आज मैं बाइक राइड पे नहीं जा रहा हूं और बाइक देख के आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मैं आज टूर पे निकल रहा हूं। ये टूर है जॉय सिटी जिसे बोलते हैं कोलकाता, वहां पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बाय मिस्टेक आपसे कोई गलती होती है टिकट बुक करने में तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं आपको, किसको कॉल करना है, कहाँ पे कांटेक्ट करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और एक बात है, 2 रुपए से लेके 20 रुपए तक के बीच में यदि आपको भरपेट खाना खाना है और आप भूखे हैं एयरपोर्ट पे, आप नहीं चाहते अपने पैसे को एक्सपेंड या आप नहीं चाहते खर्च करना पैसे को, तो मैं बताऊंगा सबसे कम में आप एयरपोर्ट पे कैसे अपने पेट को भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से ऑफिस, ऑफिस से मैं निकलूंगा नाइट में फ्लाइट के लिए, तो सारा अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। कुछ काम करने बाकी है, मेस्टिक जिसे बोलते हैं बेंगलोर का बस स्टैंड, मेन बस स्टैंड, वहाँ से मेरे को आई थिंक 2 आवर्स लगेगा फॉर एयरपोर्ट, और इवनिंग में मे बी मेरे को 2 आवर्स से 3 आवर्स का टाइम लगेगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ऑफिस से ही डायरेक्ट निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए, उसके बाद देखता हूँ। चलिए फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ इवनिंग में, तब तक लिए बाय। देख सकते हैं ये है पीछे एयरपोर्ट, गाड़ियां आ रही है स्पीड में, मुझे ना उड़ा दे। और मैं बहुत बार ट्रेवल कर चुका हूँ फ्लाइट पे, तो ये मेरी पहली फ्लाइट नहीं है, बट मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम ट्रेवल करते हैं, करने वाले हैं या फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे सफर करेंगे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उनके साथ। फ्रेंड्स ये है बस स्टैंड जहाँ से आपको बस मिलेगी पूरे बेंगलोर में जाने के लिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आई थिंक सो। रात के 11:30-11 बजे तक आपको बस की सुविधा मिलेगी और वापस से सुबह 2 या 3 बजे से ये लोग वापस से स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो सर्विस है वो सबसे अच्छी है। तो फाइनली मैं पहुँच चुका एयरपोर्ट और ये रहा पीछे का नज़ारा, आप देख सकते हैं। और अभी मैं यहाँ से चेक इन करूँगा, आप यदि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो होती है सिक्योरिटी, जो मेन एंट्रेंस चेकिंग होती है उसमें आपका आधार कार्ड चेक करते हैं या जो भी आपके पास गवर्नमेंट लाइसेंस है वो चेक करते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप बोर्डिंग पास ले सकें, और टाइम से यदि आप पहले पहुंचेंगे तो आपको ऑब्वियसली विंडो सीट ही मिलेगी, यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको विंडो सीट मिलेगी। तो अब मैं चलता हूँ अंदर, अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको कैसा है अंदर का। ये है सिक्योरिटी जहाँ पे बाली चेकिंग होती है, यहाँ पे आप लोग आपका गवर्नमेंट आईडी चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको अंदर जाने का मौका मिलता है। तो ये जो चेकिंग है ये पाली चेकिंग है, आप यहाँ पे कभी आए तो टेंस ना हो, नर्वस ना हो, क्योंकि वो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि आपके पास वैलिड टिकट है या नहीं है, तो आपको अंदर आने देते हैं। मैं वेट करके देखता हूँ कितना वेट है मेरे बैग का, ये डाल दिया मैं और इसका वेट आया 4 kg, सो 4 kg इज ओके फॉर हैंड बैगेज। मैं ट्राई करता हूँ घूम घूम के आप लोग को दिखाने का एयरपोर्ट का अपीयरेंस कैसा है।
अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, देखता हूँ सिक्योरिटी चेकिंग कराता हूँ अभी। मैं हूँ अभी प्रीमियम प्लाजा लॉन्ज में। तो जैसा कि मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था, दे चार्ज ओनली 2 रुपीज और रुपी पे कार्ड। इसके इमेज आप अभी देखेंगे, इस पे डिस्प्ले होगा इमेज आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। और गया जाने का, अब मैं आपको अपडेट करता हूँ। मैं चला इधर से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 2 रुपए में भरपेट खाना कैसे खाएंगे। ये स्कीम है पेटीएम का, यदि आपके पास पेटीएम का कार्ड है तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और इजिली आप इस बेनिफिट को अपना सकते हैं। तो चलिए, अब मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ नीचे। और फ्लाइट में यदि मुझे ऑप्शन मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा आपको मैं फ्लाइट का। आपके पास सिगरेट निकलती है तो आपको यहाँ फेंकना है, आप यहाँ नहीं फेंक सकते क्योंकि यहाँ पे आग लगने का संभावना है। और ये छोटा सा बेसिन दिया गया है, यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल बना हुआ है, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ उसको उठाने, और
ये देखिए कुछ इस तरह से रहता है ये। यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल बना हुआ है कि आप इसमें कुछ लेटर ना करें, कुछ ना फेंके। और ये है प्लस के लिए यहाँ दबाएं, ये है प्लस। पेपर डाला हुआ है और बाइक की कंडीशन भी बहुत खराब है, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। मैं पूरी तरह से हिल रहा हूँ बाइक में, तो अभी तक का ये मेरा पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। पता नहीं क्या हो राइट। पहुंच गया कोलकाता। मैं जो बात कर रहा था वो था टिकट के लिए। तो आने के तो टिकट मेरी बुकिंग हो गई थी 28 की, जो मैं सफर ऑलरेडी कर चुका। जो वापस रिटर्निंग की टिकट थी वो 3 सितंबर के जगह 3 अक्टूबर को हो गई थी। तो जब टिकट बुक हो गया, पूरा पैसा ट्रांजेक्शन हो गया, टिकट मेरे पास आ गया और 10-20 मिनट्स बाद मेरे को एहसास हुआ कि टिकट गलत ले लिया मैं। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, उसके बाद आप यदि कॉल करते हैं इंडिगो में और उनके साइट पे, तो वो लोग आपको गाइड करते हैं। एक्चुअली इनका एक स्कीम है, यदि आप 1 घंटे के अंदर इनको कॉल करके बोलते हैं कि जो मेरा टिकट है वो बाई मिस्टेक गलत डेट हो गया या कुछ भी ऐसा गलत हो गया। मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बताया ये सारे बात, तो उन्होंने बोला कि सर कोई बात नहीं, आपका पूरा पैसा रिफंड होगा। तो ये एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि पूरा पैसा रिफंड होगा। तो उन्होंने बोला कि आप नया टिकट बुक कीजिए और हमें वापस से कॉल, जो भी फोन उठाएगा उनको आप सिर्फ आपको ये बोलना है कि जो आपका टिकट है उसको रिशेड्यूल करना है और पुराने वाला टिकट को कैंसिल करना है, तो आपका पूरा पैसा 100% आपका कैशबैक होगा। तो जो ये फैसिलिटी थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता था कि इस चीज़ को शेयर करूं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि यदि आप टिकट में कुछ गड़बड़ी हुई और डेट ऐसा चेंज हो गया, तो हाँ, और जिस अकाउंट से आपने टिकट बुक किया है सेम अकाउंट से ही आपको टिकट अगेन वापस से बुक करना पड़ेगा। उसमें यदि आप कुछ चेंजेस करते हैं तो ये फैसिलिटी आपके लिए नहीं हो पाएगी। सेम ईमेल आईडी चाहिए, सेम मोबाइल नंबर चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। तो मेरे केस में तो दोनों सेम था क्योंकि मैं अपने लिए ही टिकट बुक कर रहा था। तो फ्रेंड ये था मेरा एक्सपीरियंस। और एक तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं 2 रुपये का एक्सपीरियंस, और ये दूसरा एक्सपीरियंस था जो टिकट का था फुल रिफंड का। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।